जी हाँ नमस्कार दोस्तों, अजब प्रेम की एक गजब कहानी सामने निकल कर आ रही है, जिसमें शादी से पहले तो खूब ड्रामा हुआ है और जयमाला के बाद दुल्हन की छोटी बहन छत पर चढ़ गई और दूल्हे को धमकाने लगी अगर दीदी से शादी की तो वह घटना को अंजाम दे देगी। फिर क्या था, बराती और घराती में जमकर लात कूचे चले हैं और मामला थाने तक पहुँच गया है और बड़ों ने समझा बुझाकर छोटी बहन से ही दूल्हे की शादी करवा दी। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बिहार के छपरा के मांझी थाना इलाके के भंबोली गाँव का है। गांव के पंडित शैलेश्वर मिश्रा ने बताया कि एक साल पहले छपरा शहर के बिंटोलिया निवासी जगमोहन महतो के बेटे राजेश कुमार की शादी रिंकू कुमारी से तय कर दी गई थी। इसी बीच दूल्हे की बातचीत रिंकू कुमारी की छोटी बहन पुतली कुमारी से होने लगी। वह अपने होने वाले साली को एग्जाम दिलाने के लिए भी ले गया था और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन दोनों ने अपनी दिल की बात परिवार को नहीं कह सके। इसी दौरान मंगलवार की रात राजेश दुल्हन रिंकू कुमारी के घर बारात लेकर पहुंचा और लड़की के पिता रामू बीन ने दरवाजे पर बारात का स्वागत किया है। बैंड बाजे के साथ हंसी खुशी द्वारा पूजा की रस्म की गई थी। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जयमाला की रस्म भी पूरी हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही वहां पर हड़कंप मच गया था। जी हां, दुल्हन की छोटी बहन पुतली कुमारी चुपके से छत पर चढ़ गई और छत से ही दूल्हे को मोबाइल से फोन कर धमकाने लगी कि अगर मेरे साथ शादी नहीं की तो वह घटना को अंजाम दे देगी। मौके की नजाकत देखते हुए दूल्हे ने आनंद फानंद में जयमाला से अपने परिवार और रिश्तेदारों से जानवासी में वापस बुला लिया और बिगड़ते हालात को देखते बीच दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और बातचीत मारपीट पर उतारू हो गई थी। इसी दौरान बताया जा रहा है कि मौके पर ही गुत्तम गुत्ता हो गई थी और मौके पर ही भगदड़ मच गई थी। बिगड़ते हालात के बीच स्थानीय लोगों ने मांझी थाने को पुलिस को सूचना दी है और पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि देर रात वर और वधु पक्ष में समझौता चलता रहा और पुलिस और जनप्रतिनिधियों की पहल से देर रात ही दुल्हन की रजामंदी से छोटी बहन के साथ उसका विवाह करा दिया गया और बारातियों को विदा कर दिया गया। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।